मथुरा आपको सीधे आशुतोष के पास लिए चलते हैं, जहां ईदगाह मस्जिद में सर्वे की इजाजत अदालत ने दे दी है। ओवर टू यू आशुतोष। शुक्रिया सईद जी। देखिए इस वक्त मैं मथुरा में मौजूद हूँ, उस मथुरा में जहाँ सुबह से लेकर शाम और शाम से लेकर देर रात तक सिर्फ एक ही नारा, एक ही आवाज सुनाई देती है, वो है जय श्री कृष्णा और राधे राधे। इस बीच आपको बता दूं कि श्री कृष्ण जन्मभूमि के बाहर मैं मौजूद हूँ, बिल्कुल गेट पर सुरक्षा बंदोबस्त कड़ा है। एक बड़ी खबर सबसे पहले अपडेट इसमें मैं कर दूं, क्योंकि तीन याचिकाकर्ता उन्होंने प्रार्थना पत्र अदालत में दायर की थी और ठीक ज्ञानव्यापी मस्जिद की तरह सर्वे कराने की मांग, वीडियोग्राफी कराने की मांग और फोटोग्राफी की मांग और साथ ही कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने की मांग उन्होंने की थी प्रार्थना पत्र के जरिए। अब अदालत ने उनके इस प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया है। इस पर 1 जुलाई को फैसला होगा कि क्या अदालत वीडियोग्राफी की इजाजत देगी, क्या फोटोग्राफी की इजाजत होगी, क्या कोर्ट कमिश्नर ज्ञानव्यापी मस्जिद की तरह नियुक्त किए जाएंगे। तो ये एक अहम खबर है। इसके पहले कल हमने देखा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किस तरह से निर्देश जारी किया मथुरा कोर्ट को। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 4 महीने के अंदर इस पूरे मामले की सुनवाई पूरी की जा सके और जितने भी याचिका हैं, जितने भी रिट इस मामले को लेकर दायर हैं, उनको क्लब किया जाए, यानी कि एक साथ सामूहिक तौर पर उनकी सुनवाई हो, ताकि जल्द से जल्द ये सुनवाई पूरी हो सके। और एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पहलू ये इसमें रहा कि अदालत ने यह भी साफ तौर पर कहा कि जो लोग पेश नहीं हो रहे, यानी कि सुन्नी वक्फ बोर्ड की अगर इसमें पेशी नहीं हो रही है, उनकी तरफ से दलील सामने नहीं आ रहे हैं, वो लोग नहीं आ रहे हैं, तो एक तरफा आदेश दिया गया कि आप इस पर सुनवाई करें। तो ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें सईद कि देखिए मथुरा लगातार यहाँ पर हजारों की संख्या में देश भर से श्रद्धालु आस्था लिए आते हैं। अभी टेम्परेचर बहुत है, तपिश बहुत है, लेकिन फिर भी लोग लगातार पहुंच रहे हैं इस गेट मुख्य द्वार की तरफ से। और सबसे बड़ी बात यह है कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि का जो मंदिर है और बिल्कुल ईदगाह, शाही ईदगाह मस्जिद की जो बाउंड्री है, दीवार है, आसपास लगी हुई है, अब इसी को लेकर सब कुछ ये विवाद है। तो फिलहाल बड़ी खबर ये है कि प्रार्थना पत्र जो तीन याचिकाकर्ता थे उसमें उनके जो प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया है कोर्ट की तरफ से। ये अपडेट सही। भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश के बाद यहां भी फिजा बदली हुई है। राधे राधे की जयकारे लग रहे हैं, कृष्ण भक्ति के भजन गाए जा रहे हैं। कन्हैया लाल की जय। मथुरा में मेरी मौजूदगी है, जहां राधे राधे के साथ ही सब कुछ शुरू होगा। हर गली में आप आवाज सुन सकते हैं, राधे राधे की गूंज आप सुन सकते हैं। दरअसल कल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा कोर्ट को निर्देश दिया कि जितने भी मामले हैं सबको तो पहले क्लब करिए, जितनी भी अर्जियां डाली गई हैं, याचिकाएं डाली गई हैं, सबको क्लब करें और पूरी सुनवाई 4 महीने के अंदर आप पूरी कर लें। और दूसरा ये पहलू कि अगर मुस्लिम पक्षकार नहीं आते हैं तो एक तरफा आदेश दें, यानी कि एक्स पार्टी दें। मंदिर के महंत से लेकर कृष्ण भक्त को लग रहा है कि उनका सपना अब जल्द सच होगा, जल्द ही फैसला उनके पक्ष में होगा। उन्हें लगता है कि मथुरा भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है तो मंदिर तो यही बनेगा। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। ऐसे जगत गुरु की पावन भूमि और महातीर्थ पौराणिक और गवर्नमेंट ने भी बना दिया सरकार, अब तो जन आकांक्षा है और इस ठाकुर की आस्था के साथ निष्ठा जुड़ी हुई है कि अब जल्दी दर्शन दो और भव्य निर्माण की शुरुआत करो प्रभु। यहाँ की जनता यही सोचती है कि जल्द से जल्द यहाँ पे मंदिर बने और जो भी कुछ कोर्ट की तरफ से निर्णय आया है वो हमारे सनातन धर्म के पक्ष पे है और बहुत ही जल्दी इस कार्य को हम लोग करके पूरा करेंगे। श्री कृष्ण विराजमान के वंशज होने का दावा करने वाले मनीष यादव की अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 3 अहम निर्देश दिए। 4 महीने के अंदर मामले का निपटारा हो, सारी अर्जियां एक साथ जोड़ी जाएं और अगर मुस्लिम पक्ष हाजिर न हो तो भी फैसला सुनाया जाए। देखिए ये टोटल एरिया है 13.37 एकड़ का और इसको लेकर के बड़े लंबे समय से विवाद चलता रहा है और इसमें जान करके सुन्नी वक्फ बोर्ड हाजिर हो जाता है तो शाही ईदगाह मस्जिद हाजिर नहीं होती है और शाही ईदगाह मस्जिद हाजिर हो जाती है तो सुन्नी वक्फ बोर्ड हाजिर नहीं होता है। तो ये बड़े लंबे समय से कोर्ट में चल रहा था तो इसको लेकर के माननीय उच्च न्यायालय में गए और उच्च न्यायालय के द्वारा कल एक अभूतपूर्व आदेश किया गया और उसमें ये आदेश किया गया कि इन पूरे जितनी भी 9 याचिकाएं हैं इनको मर्ज करके और एक साथ सबकी सुनवाई होनी चाहिए।
श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह का दावा है कि मुगल शासक औरंगजेब ने मंदिर को ध्वस्त कराकर उसके मलबे से ही शाही ईदगाह का निर्माण कराया था। इसके प्रमाण आज भी वहां मौजूद हैं। जो आप देखते हैं इसके पीछे मस्जिद है, उसकी दीवारों पर कमल के फूल बने हैं, शंख बने हैं, शेषनाग बने हैं, ओम बने हैं, स्वास्तिक बने हैं। तो मस्जिद में कहां से आ गई है? हिंदू धार्मिक चिन्ह, ये हिंदू धार्मिक चिन्ह है। हम मानते हैं कि वो असली मस्जिद नहीं है, वो भगवान का असली गर्भगृह है, और वो गर्भगृह भगवान का वही है जहां भगवान प्रकट हुए थे। तो हमारे हिंदुओं की आस्था का सवाल है ये कि हमारी जो जमीन है, जो मस्जिद है, वो हमारी है, हिंदू पक्षकारों की है। हर हालत में मंदिर बनना चाहिए, इसी को लेकर के हम कोर्ट में गए। अगर माननीय उच्च न्यायालय में कोई रिट दायर की है तो उसकी कोई सूचना हम पर नहीं है, ना हम पे कोई तामील है, ना हमारे पास कोई नोटिस आया। हम पर सूचना आती तो हम निश्चित ही वहाँ उपस्थित होते। लेकिन ये तो दो तरफ की बात हो गई कि आप मथुरा में जो लोअर कोर्ट में आपने मुकदमा दायर किया है उसमें उपस्थित जानबूझ कर नहीं हो रहे, खुद ही डिले कर रहे हैं, और माननीय उच्च न्यायालय में आप ये कह रहे हैं कि आप मुकदमे में देरी हो रही है। मथुरा कोर्ट के पास अब 4 महीने की मोहलत है। सितंबर तक केस से जुड़ी सारी अर्जियों को एक साथ कर सुनवाई होगी। कोई भी पक्ष अब टालम टोल का खेल नहीं खेल पाएगा। आशुतोष चतुर्वेदी, मथुरा आज तक।